तो यार ये है मोटो एज 40 न्यू। तो आज हम बात करेंगे इसकी बहुत सारी अच्छी बातों की और कुछ बेकार बातों की। तो यार ये मोबाइल आते ही धूम मचा दी थी। आज से जब 2 से 3 महीने पहले जब ये मोबाइल आया था तो इसने मार्केट में आते ही धूम मचा दी थी। और अभी ये आ रहा है 2000 रुपये महंगा होके। पहले ये 2000 रुपये सस्ता होके आया था क्योंकि ये सेल में आया था दिवाली से पहले जो आती है बिग बिलियन डेज में उसमें। तो अभी भी यार ये ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोरों पे करंटली अनअवेलेबल आ रहा है क्योंकि ये फ़ोन इतने सारे अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ एक अच्छे प्राइस सेगमेंट में आ रहा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बाय किया जाने वाला मोबाइल हो रहा है। तो अभी भी ये करंटली अनअवेलेबल हो रहा है। हो सकता है काफ़ी ऑफलाइन स्टोर पर अभी भी आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, कम ही आ रहा है, पूरा स्टॉक नहीं आ रहा है। और ऑनलाइन में भी ये हो रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। तो फुल्ली ये अभी मोबाइल नहीं आया, अभी भी करंटली अनअवेलेबल ही आ रहा है। अरे तो भाई है क्या इसमें ऐसा? अरे भाई आराम से बताता हूँ यार, तू तो गुस्सा हो रहा है। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी अपर बॉडी की। तो यार इसकी अपर बॉडी में ये आता है फुल्ली कर्व्ड डिस्प्ले पी ओलेड डिस्प्ले के साथ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिखने में यार औसम दिखता है। देखो इसको मैं चालू करता हूँ, यहाँ पे भी बेजल्स आ जाएंगी, एज आ जाएगी इसकी। तो ये देखो ये बहुत ज़्यादा औसम दिखता है। और बैक में यार ये आता है वीगन लेदर फिनिश के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और प्रीमियम लुक देता है इसको। और यहाँ पे तो मैंने यार इसका लेमिनेशन करवा रखा है इसलिए ग्लो कर रहा होगा। और इसका जो कैमरा का जो आइकन बना हुआ है वो भी यार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक प्रीमियम लुक देता है इसका भी, मेरे को बहुत ज़्यादा स्टाइल अच्छा लगा। तो यार बात की जाए ओवरऑल बॉडी की, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इसकी ओवरऑल बॉडी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्लिम मोबाइल और बहुत लाइट वेट है, आप पकड़ोगे तो कंफर्टेबल होगा पकड़ने में। और इसके अलावा भी बात की जाए पार्ट्स की, तो यार इंटरनल पार्ट्स में ये आता है मीडिया टेक डायमंड सिटी का 7030 प्रोसेसर के साथ, जिसका बेंचमार्क स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जो कि 5 लाख के ऊपर है। और ये 2 वेरिएंट में आता है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज। और इसके अलावा ये आता है 12GB रैम और 256GB स्टोरेज। तो इसमें से यार मेरे को तो ये 12GB रैम और 256 स्टोरेज वाला ही वेरिएंट ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि इससे 2000 रुपये महंगा है कम वाले वेरिएंट से। पर हमें, मैं आपको प्रेफर करूँगा अगर आपको बाय करना है तो 12GB वाला ही बाय करना वेरिएंट। क्यों करना है ये आपको मैं बाद में बताऊँगा। यार सॉफ्टवेयर की, तो यार ये मोबाइल आता है एंड्रॉयड 13 के साथ, जो कि बहुत ही सही सॉफ्टवेयर है जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, इसके साथ ये मोबाइल आता है। और बात की जाए रिफ्रेश रेट की, तो रिफ्रेश रेट में भी इसने बाकी मोबाइलों को पीछे छोड़ दिया। ये 144Hz की इस रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो कि बहुत ज़्यादा औसम है। बट मैंने तो ऑटो पे कर रखी है बिकॉज मुझे अभी उसकी इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा आपको चलाने में स्मूथ एक्सपीरियंस करेगा ये मोबाइल। अब ये मोबाइल आता है डुअल सिम के साथ, जो आप इसमें आराम से डुअल सिम लगा सकते हैं। और इसमें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी चीज़ आई है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिख ही गया होगा, NFC। तो कहीं आप इसके यहाँ पर NFC लगा हुआ है, आप यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं किसी को भी कभी भी। तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, इसमें NFC फीचर भी दिया गया है। तो और देखो मेरा मोड तो यही है 12GB रैम 256GB स्टोरेज वाला। इसके अलावा यार आपको चार्जिंग में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि चार्ज करने के लिए इसमें आई है 5000mAh की बैटरी, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा ये बैटरी इन्होंने पता नहीं कैसे इंस्टॉल करी है, किस तरीके से इंस्टॉल करी है, उस सबको लगाने के बाद भी ये मोबाइल बहुत ज़्यादा लाइट वेट है यार, सही बता रहा हूँ, बहुत लाइट वेट है और बहुत ही ज़्यादा स्लिम है। देखो इसको भी इतना अच्छा लग रहा है, अभी लेने के लिए आ रहा है ये भी। तो यार बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा स्लिम है। आप जब इसको पकड़ोगे ना तो इस तरीके से फील आएगा कि यार बहुत फैदर लुक है, मतलब बहुत कंफर्टेबल है पकड़ने में, मज़ा आ जाएगा पकड़ने में इसको, सही बता रहा हूँ मैं, कुछ और मत पकड़ना। ये मोबाइल आता है क्विक चार्ज टर्बो चार्ज फैसिलिटी के साथ, तो यार इसका जो चार्जर है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो कि 68W का चार्ज आता है इसमें। तो इसकी 5000mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए यार ये लेता है, क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 45 मिनट का करीब लेता है, 45 मिनट के अंदर ये मोबाइल आपका पूरा चार्ज हो जाता है। तो 5000mAh बैटरी होने के बाद भी ये बहुत जल्दी चार्ज होता है, 45 मिनट में 68W का टर्बो चार्ज से फटाफट क्विक चार्ज कर देता है। तो यार ये भी बहुत एक औसम चीज़ है, ये हमें मिलता है बॉक्स के अंदर। और इसके अलावा एक और प्यारी सी चीज़ है जो हमें बॉक्स के अंदर मिलती है, वो है ये कवर। इसका बाकी फ़ोन जो मिलते हैं कईयों के साथ मिलता है एक ट्रांसपेरेंट सा रबड़ ग्लव पर रबड़ का कवर, बट ये जो कवर है बहुत ही ज़्यादा औसम है यार, इन्होंने दिया पता नहीं क्या है, किस चीज़ का प्लास्टिक में, बट बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इसको लगाने के बाद बहुत अच्छा लुक आता है। बट जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ यार, ये जो कवर है थोड़ा जल्दी येलो पड़ जाता है, बट यार क्या करें, ऐसे कवर जल्दी पड़ते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा औसम ये कवर भी आता है। इसके अलावा इसमें एक सिम इंजेक्टर भी आता है यार, जो कि आपको पता ही होगा वो सभी मोबाइल के साथ आता है। ये कुछ छोटे मोटे आइटम है, बाकी मैनुअल वगैरह तो हर मोबाइल में आता है, वो किसी काम का नहीं होता, सबको सब पता है।
अभी भी फीचर्स और ख़त्म नहीं हुए। ये एक और अमेजिंग सी चीज़ बताता हूँ, ये आता है डुअल स्पीकर के साथ। एक स्पीकर यहाँ है और एक स्पीकर यहाँ है, जो कि डॉल्बी एटमॉस को प्रेफर करता है। ये डॉल्बी एटमॉस में आता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और ये इसका एक स्पीकर है, ये दूसरा स्पीकर है। और यार जो इसका साउंड है बहुत ज़्यादा क्लीन एंड नीट आता है। एक बार मैं कुछ चला के बता देता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा क्लियर साउंड आता है यार इसमें। भाई जोश में मत आ जाना यार, वीडियो बना रहा हूँ, मारना मत मुझे पीछे से, तो कुल्हाड़ी लगे काट डाले। तो यार जैसा कि मैंने इसका सॉन्ग भी बता दिया यार, मतलब सॉन्ग चला के बता दिया आपको, इसकी यार जो ऑडियो बहुत ज़्यादा क्लीन और डबल स्टीरियो के साथ आती है, डबल स्पीकर के साथ आती है, डॉल्बी एटमॉस के साथ। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। और चार्जिंग के लिए आपको पता है यहाँ पे सी पोर्ट लगा हुआ है, यहाँ से चार्ज होता है। यहाँ पे इसका स्पीकर जैक वगैरह जो भी है इधर है। और यहाँ पे इसका ये है अपना सिम ट्रे, जो कि जहाँ पे डुअल सिम लग जाती है। तो ये आपको पता ही होगा यार, इतना सब तो होता ही है। यहाँ पे इसके वॉल्यूम बटन वगैरह है। और इसका यार जो फिंगरप्रिंट है वो इसकी स्क्रीन पे ही आता है, जो कि आपको पता ही होगा। फिंगरप्रिंट भी बहुत क्विक काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। जिसको मैंने डबल वेक किया और फटाफट लगा दिया, क्विक काम करता है यार, लगाते ही हटा दो आप। कि अभी मैंने पहले बताया था कि एंड्रॉयड अपडेट के बारे में, तो यार देखो अभी 13 के साथ तो अभी आता है, और इसमें 2 ईयर्स एंड्रॉयड अपडेट दिए गए हैं और 3 ईयर्स सिक्योरिटी अपडेट के इन्होंने दिया हुआ है पॉलिसी के अंदर, इन्होंने वादा किया हुआ है। यानी 15 तक तो आप आराम से चला सकते हो उसको, 15 एंड्रॉयड तक, 15 प्रो मैक्स नहीं बोल रहा, तो वहाँ तक आप इसे आराम से चला सकते हो। अब हम एक गेम चालू करके देख लेते हैं यार, गेम किस तरीके से, क्या ग्राफिक देता है, कैसा चलता है। तो दो ही गेम है, पबजी एसफल्ट 9। तो पहले हमने पबजी चला लिया, तो एक बार एसफल्ट चला के देख लेते हैं क्या है, कैसे चलता है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया, ये खुल गया, इसके मैंने फुल ग्राफिक्स कर रखे हैं। एक गेम चला के आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। तो चालू हो गया है, क्या आ रहा है ये? हाँ भाई ओके दे रहा है। हाँ तो यार गेम अब चालू होने को है, तो जैसा कि आप यार कैमरा में देख ही रहे होंगे किस तरीके का क्या ग्राफिक्स आ रहा है। तो भाई क्या हो गया इसको, इतना तगड़ा कैसे चल रहा है ये? ओ भाई जीत गया, खाली हो जाओ मेरे लिए। एक चीज़ और है, जैसे अपन गेम खेलते हैं तो यहाँ पे गेमिंग का मोड भी दिया हुआ है, जिसमें आप डू नॉट डिस्टर्ब वगैरह कुछ भी लगा सकते हो यार। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर। जाए यार नेटवर्क की, तो यार ये है एक 5G फ़ोन, और इसमें जो 5G बैंड है यार वो भी बहुत ही ज़्यादा आता है, जो कि 13 से 14 5G बैंड, जो कि बाकी फ़ोनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो यार ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और इन सब के अलावा भी इसमें एक ऐसा फीचर और इंट्रोड्यूस है, जो कि इसको और मोबाइल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट बना देता है, जो कि यार है इसको IP68 की रेटिंग मिली हुई है। यानी कि आप इसको 4 से 5 मीटर अपने पानी की बाल्टी में आधे घंटे तक भी डाल देंगे तो इस मोबाइल को कुछ भी नहीं होगा। इसको पानी के अंदर आप नहला सकते हैं अपनी तरीके से, ये भी अपनी तरह पूरा का पूरा वाटर प्रूफ है। और यार ये एक बहुत ज़्यादा बहुत ही औसम चीज़ है इस फ़ोन की। बात की जाए यार इसके कैमरा की, तो इसका कैमरा है बैक में जो कि 50 मेगापिक्सल का, और नीचे वाला कैमरा है अल्ट्रा वाइड एंगल जो कि 13 मेगापिक्सल का। तो यार ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी बात है। और बात की जाए फ्रंट कैमरा की, तो इसका फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल का, जो कि बहुत अच्छा है। यार इसकी कैमरा क्वालिटी वगैरह की, तो यार अधिकतर फीचर्स तो इसमें ऑटोमेटिक है, जैसे अंधेरा होता है तो नाइट लाइट अपने आप
इसको मेज़र कर लेती है। और इसकी नाइट में भी यार जो फ़ोटोज़ है वो भी काफ़ी अच्छी आती है, और इसके क्योंकि यार कैमरा की जो स्पेसिफिक वीडियोज़ है वो मोटो एज 14 है, कि आपको और भी यूट्यूब पे दिख जाएगी तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। और देखा जाए तो यार इसके अलावा इसमें 4K रिकॉर्डिंग वगैरह सारे फीचर्स किए गए हैं। सिनेमैटिक मोड है, जो कि यार एक चीज़ गलत लगी मेरे को सिनेमैटिक मोड के अंदर, यार इन्होंने HD का यानी 720 पिक्सल का ही ऑप्शन दिया है। पता नहीं क्या है यार, इतना कम तो नहीं देना चाहिए था, कम से कम 1080 पिक्सल तो देना चाहिए था सिनेमैटिक मोड के अंदर, तो पता नहीं आ रही है तो क्यों दिया है, बट ठीक है फिर भी। और जूम भी इसका 8x तक चला जाता है, और 4K रिकॉर्डिंग फिर 30 FPS है इसमें। आपको पहले बता दूं मैं, रिकॉर्डिंग के अंदर आप जब वीडियोस बनाओगे तो ये अभी फुल HD पे हो रहा है, 4K हो रहा है, जो कि 30 FPS में काम करता है। और ये ब्लर के लिए जो है वो आप पूरा आगे कर सकते हैं, अगर आपको सिनेमैटिक मोड यूज़ करना है तो। वैसे आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, सिनेमैटिक मोड यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे जाके इसको फुल यहाँ पे जाना है, 6 पे करना है। अभी सिनेमैटिक मोड चालू हो गया, ये देखो इसको बिल्लू द ब्लैक ही बैठा है सिनेमैटिक मोड में, तो ये इसका सिनेमैटिक मोड है यार। और इसको वापस आप अनक्लिक कर दो तो ये नॉर्मल हो जाता है, जो कि आप यहाँ से मेज़र कर सकते हैं या 4K में रिकॉर्ड करना चाहते हो या किस में करना चाहते हो। बाकी यहाँ पे सेटिंग्स तो दी हुई है जिसमें आप इसको छेड़ सकते हैं, इसकी सेटिंग्स तो फ्लैश वगैरह जो दिया हुआ है, स्लो मोशन वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीज़ें तो यार बहुत सारी है इसके कैमरा में। अपने को स्पॉट कलर जैसी नाइट विजन पौनामा जो काफ़ी में होती है, 50 अल्ट्रा रेस स्कैन डुअल कैप्चर कैमरा दिया हुआ है। मिला के ये मोबाइल जो कि है फुल्ली लोडेड है, बहुत ही सही मोबाइल है, बहुत ही ठीक अच्छा मोबाइल है, आप इस प्राइस में ले सकते हैं इस मोबाइल को, ऐसी बात नहीं है। कंपेयर में भी काफ़ी मोबाइल आता है, बट यार इसमें बहुत सारे फीचर हैं, क्योंकि कुछ मोबाइल होते हैं किसी चीज़ में आ गए। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, जैसे यार अभी जैसे देखा जाए कर्व्ड डिस्प्ले हो गया तो उसमें POLED दे रहा है ये, IP68 दे रहा है, उसके अलावा NFC वगैरह, मतलब बहुत सारी अभी चीज़ें मैंने आपको गिनाई थी, इतनी सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें मैटर करती है हर मोबाइल में, मतलब इसका इस मोबाइल में सारी चीज़ें आ रही है, फुल्ली लोडेड आ रहा है ये मोबाइल। बाकी मोबाइल में क्या है, किसी में कौन सी चीज़ ज़्यादा है तो कौन सी चीज़ कम है, जैसे किसी का प्रोसेसिंग ज़्यादा होगी तो कहीं कैमरा में कमी होगी, कैमरा ज़्यादा होगा तो प्रोसेसिंग में कमी होगी, उसमें ज़्यादा होगा उसमें, तो इस मोबाइल का यार ये अभी ऐसा है कि ये मोबाइल हर चीज़ में ठीक है, बेस्ट है, अच्छी आ रही है। अगर आपको एक ऐसा मोबाइल चाहिए जिसमें काफ़ी सारे अच्छी तरीके से फीचर हो और बहुत सही मोबाइल हो, ये मोबाइल यार ऐसे करंटली अनअवेलेबल नहीं आ रहा है। और देखा जाए तो काफ़ी सारी जो वीडियोस में बताते हैं ये बाय मत करो वो बाय मत करो, यार देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इसे बाय किया और मेरे को 1 month भी हो गया यूज़ करते हुए, मैं काफ़ी मोबाइल यूज़ कर चुका हूँ तो मुझे पता है। तो यार ये मोबाइल इस प्राइस सेगमेंट में बहुत अच्छा है, इसीलिए अनअवेलेबल भी आ रहा है। हाँ, कंपनी की मोनोपोली होती है, वो कम करके भी बेचते हैं ताकि लोगों में एक हाइप बनी रहे, बट यार इसके आते ही जब ये इस तरीके से बिकने लगा तो वो कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है, अगर लेना हो तो जब लोगों को पता है कि किसमें क्या। और हालांकि देखा जाए तो मोटोरोला एक कंपनी फ्लॉप साबित हुई थी किसी टाइम पे, और अब ये धीरे 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 कभी करीब 2-3 साल से ये ग्रो करने लगी है मोटोरोला। तो यार अब मैं इसकी जो छोटी मोटी कमियां है वो भी आपको बता देता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी होती। हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज़ हमें मिल जाए वो परफेक्ट हो, तो यार परफेक्ट दुनिया में कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी मिल जाएगी, और उसे कंपनी जानबूझ के रखती है ताकि आगे वाले आने वाले उनके मॉडल में मोबाइल में वो उनको पूरा करके उन्हें भी बेच सके। तो सब कुछ तो नहीं देता कोई भी, बट इन्होंने इसलिए दिया है इसमें इतना कुछ क्योंकि ये कंपनी ग्रो करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। तो यार देखो इसमें कमी सबसे पहले ये है, देखो यार इसमें अब हम माइक वगैरह ईयरफोन वगैरह नहीं लगा सकते, इसमें कहीं भी जैग नहीं आया। अब वो शायद तक IP68 रेटिंग है, वाटरप्रूफ, और काफ़ी प्रीमियम मोबाइलों में भी और काफ़ी मोबाइलों में भी वो चीज़ नहीं आती है जो आपको थी वो बता दी। ये भी एक तरीके से यार प्रॉब्लम मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते, क्योंकि काफ़ी मोबाइल में देते हैं नहीं देते। अब बात की जाए यार इसकी सिम ट्रे के अंदर, जब आप खोलोगे तो इसमें ओनली सिम लगाने का ऑप्शन है, इसमें आप थर्ड पार्टी कोई भी अपना मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको 12 GB रैम और 256 वाला वेरियंट ले लो, क्योंकि यार आजकल क्या कोई भी वीडियो वगैरह बनती है तो वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा मेगा अपने आप ही स्टोरेज बहुत हो जाती है, आजकल मूवीज हम डाउनलोड करते हैं 5 GB। बात की जाए इसकी बैटरी ड्रेन और हीटिंग के लिए, काफ़ी लोग कहते हैं और आपको भी कंफ्यूज होगा कि क्या है क्या नहीं है, तो देखो मैं अपना रियल से बताता हूँ, रियल एक्सपीरियंस से, कि यार हीट तो कई कबार ये हो जाता है, ऐसी बात भी नहीं है। जैसे काफ़ी चीज़ हम चलाते हैं ऐसी, जैसे तो उसमें जैसे चार्ज हम करते हैं तब
या फिर कुछ ऐसा चलाता है, कोई गेमिंग वगैरह ज़्यादा होती है, तो यार थोड़ा बहुत हीट तो यार ये हो जाता है। हो सकता है नॉर्मल मोबाइल से ज़्यादा हो रहा हो, तो हो वो तो बात है, थोड़ा बहुत मतलब सिमिलर सा आप मान सकते हो, 19-20 का फ़र्क जिसे हम कहते हैं, तो वो तो है ही इसमें, तो हीटअप तो यार ये हो जाता है। इसके अलावा बैटरी ड्रेन की बात करें तो यार बैटरी ड्रेन भी मेरे हिसाब से शायद है, थोड़ी बहुत है, वो भी 19-20 आप मान सकते हैं, थोड़ी बहुत बैटरी ड्रेन है। तो मैं यही चाहूँगा कि यार कंपनी अपडेट में हर चीज़ को अच्छा करती जाए, और क्योंकि यार ये सबसे बड़ी ऑप्टिमाइजेशन का ही इशू है। तीसरा वही मैं आपको बता रहा हूँ, एक इशू इसमें ये है मोटोरोला का खुद का, क्योंकि मोटोरोला देखो अब एक उभरती हुई कंपनी बन के आ रही है, क्योंकि बीच में बिल्कुल फ्लॉप सी हो गई थी, तो यार इसका क्या है जो सॉफ्टवेयर है वो भी बहुत ज़्यादा अभी उतना अच्छा नहीं हुआ है, उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं बताता हूँ इसमें सबसे पहले आपको कोई भी फ़ोन के अंदर गैलरी नहीं मिलती, इनकी खुद का फाइल सेक्शन नहीं मिलता, तो काफ़ी सारे ऐसे बेसिक बेसिक ऐप है जो इन्होंने दे ही नहीं रखे, जो कि कंपनी के खुद के ही होने चाहिए, पर वो ऐप नहीं है इसमें। तो यार वो भी एक सही चीज़ मेरे को नहीं लगी, वो भी हमें गूगल का ही यूज़ करके चलाना पड़ रहा है। बट इसमें एक अच्छी बात है बाकी मोबाइल से, क्या है अभी जो बाकी के मोबाइल आ रहे हैं, जितने भी मोबाइल हैं ना ये सब एक जैसे लगते हैं, मतलब ये चीज़ तो ठीक दे रहे हैं, मतलब चीज़ देखो कभी भी आप क्या करते हो, कुछ भी चीज़ आप बनाते हो तो बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो चीज़ बनाते हैं ना, तो उसमें क्या रहता है एड्स करते हैं ताकि कस्टमर कम पैसा दे और एड से भी पैसा आता है तो वहाँ पे वो कवर अप हो जाता है। तो ऐसे ही वो लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती हमें ऐड दिखवाते हैं अपने मोबाइल में, ऐड दिखवाते हैं, ऐड में कोई ब्लॉकर ही नहीं है ढंग का, वो ऐड दिखवाते, तो इसीलिए वो ज़्यादा महंगी चीज़ दे देते हैं, क्योंकि बाकी पैसे आ रहे हैं उनके पास, कस्टमर खरीदता है और ऐड देखता है। बट यार मोटोरोला में एक चीज़ अच्छी कि आप इसको वन प्लस अपना जो एप्पल उनकी तरह प्रीमियम सॉफ्टवेयर में भी गिन सकते हैं, जैसे एप्पल ने कैसे इन सबको मैनेज किया है, बट ठीक अच्छा मैनेज जो इसमें नहीं है। और दूसरा क्या है यार, ये अभी क्या है इनका सॉफ्टवेयर उतना स्मूथ और अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ग्लिचेस बहुत सारे हैं, आप जब चलाओगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं इसे पर्सनली बहुत ज़्यादा भी यूज़ करो, पर्सनल एज अ पर्सनल मोबाइल, तो मुझे पता है इसके काफ़ी जगह ग्लिचेस भी आ रहे हैं। और दूसरा यार मेरे को पहले भी एक ग्लिच था, अभी भी एक ग्लिच है, मैं जब भी किसी से स्पीकर पर बात करता हूँ तो मेरी आवाज़ पता नहीं क्यों म्यूट होती है, फिर मुझे स्पीकर से हटाना पड़ता है मोबाइल, तब जाके मेरी आवाज़ सामने वाले को जाती है, ये भी इसका एक ग्लिच है। और मेरे पास यार टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे इसको करने का, अगर आपको कुछ सजेशन है तो जरूर बताना है, अगर आपके पास भी मोबाइल है तो यार ये आपको भी ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली तो मुझे बताना, बाकी मैं तो यार थोड़ा टाइम लगाऊंगा, बाद में देखूंगा, क्योंकि अभी मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता इन सब का। ये एक इशू है कि इसमें सॉफ्टवेयर अभी कंपनी उतना अच्छा नहीं कर पाई, पर बट धीरे धीरे जब ये कंपनी और ग्रो करेगी और इसके अपडेट देगी तो मेरे हिसाब से आई होप सारी चीज़ें अच्छी हो जानी चाहिए। और इन सब से हट के बात की जाए तो यार ये कंपनी जो अपने साथ कवर देती है वो कवर 15 से 20 दिनों के अंदर ही येलोइश सा पड़ने लग गया, जो कि मुझे तो ठीक नहीं लगा, बट यार ठीक है यार, कभी कंपनी इतना देती भी नहीं है इतना सब, और कंपनियां भी नहीं देती, तो यार ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, बट ये और अच्छा दे देती ग्रो करने के हिसाब से तो और सही होता है इसकी क्वालिटी, मतलब जल्दी येलोइश ना पड़े। बट ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि कवर तो दिया अच्छा वाला, तो यार चलो ये भी ठीक है, इसमें कोई इतना बड़ा वाला इशू नहीं है। तो जो भी था मैंने आपको बता दिया, गिना दिया, तभी मैंने शुरुआत में कह दिया था आपको कि बहुत ज़्यादा बुराई नहीं है इस मोबाइल में, कुछ ही बुराई है जो कि मैं आपको बता ही दिया हूँ, मतलब धीरे धीरे जो भी है। तो यार पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसमें मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, तो यही इसकी बहुत ज़्यादा एक और कमी होकर निकल के आती है। तो आप इसमें अगर मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे तो आप जब 128 GB का लेंगे और इतना स्टोरेज आपके पास आ जाएगा तो 128 का दुगना होता है 256 GB, तो आप वो वाला वेरियंट ही लीजिए, क्योंकि आप 2000 मिलाओगे तो उसमें आपको रैम भी थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी, ऐसे 8 GB मिलती है, ऐसे 12 मिलेगी, तो 4 GB रैम भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी, जो कि इतनी काम की नहीं है, बट मेमोरी काम की है, और आप इसमें मेमोरी कार्ड भी नहीं लगा सकते। तो यार मेरे हिसाब से लेना हो तो 256 का भी ले लो आप, कि आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज आ जाएगी मोबाइल के अंदर, इसमें अपन थर्ड पार्टी कोई मेमोरी कार्ड नहीं लगवा सकते। तो अब बस यार इस वीडियो में इतना ही है, तो अगर आपको यार ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको आई होप सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा जो मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर। तो यार नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत। आ जा यार, चल तू जा, दूध पिला के लेकर आता हूँ।